कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज नो सीन ऑफ एंट्री इनसाइड. नहीं नहीं जा सकते. एग्जैक्टली द सेम फ्रेग्रेंस जो हमें मस्जिद नबवी में आई थी. See that Zainab is clapping. Zainab is asking them कि मुझे जगह दो. वो जो छोटा सा सुराख है, ठीक है, वो गारे हिरा है और ये मेरी बहनें सबसे पीछे खड़ी हुई हैं और बिल्कुल जगह नहीं है. बहुत मुश्किल से लोग एंटर हो रहे हैं और बहुत मुश्किल से ही एग्ज़िट हो रहे हैं. और ये आप देख रहे हैं रॉक्स पे लोग नंगे पाँव एग्ज़िट कर रहे हैं. ओ ओ कैमरा. यहाँ बड़े बड़े लोग आए, ये आंटी ये स्लाइड लेती हुई आएंगे. नो आइडिया, वो देखो कहाँ कहाँ से गुजर रहे लोग. माशाल्लाह माशाल्लाह. इस वक्त सेकेंड लास्ट डे टुडे और इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं. फजर, इट्स राइट आफ्टर फजर और हम जा रहे हैं जबली नूर गारे हिरा. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट देयर क्योंकि वो एक पहाड़ है और इट्स लाइक 1.5 घंटे से 2 घंटे की हाइकिंग है वहाँ पे. और यहाँ की गर्मी और यहाँ की धूप बहुत तेज़ होती है. जी हम पहुँच गए हैं गारे हिरा. ये पहाड़ है, इसका नाम है जबले नूर. इस पे हमने ऊपर चढ़ना है. वो लोग नज़र आ रहे हैं ऊपर, वहाँ जाना है हमने. वाओ ओके जी, इट्स लाइक 5:45 हो रहे हैं और वी बीन टोल्ड के 1.5 घंटे तक तकरीबन 90 मिनट्स हाइक है इसकी. बिल्कुल स्टीप है भाई, गाड़ी तो जा ही नहीं सकती किसी भी तरीके से ऊपर, बहुत ज़्यादा स्टीप है. ओहो उतरना भी है, उतरना भी है. इट्स लिटरली पहाड़. रुक रुक के जाते हैं. हाँ जी मजा आ रहा है. ऐसे हो गई चढ़ी कैसे होंगी ये गाड़ियाँ. नहीं जाना. सीमी सोच रही है कि वो ना जाए. शी गॉट सेकंड थॉट्स. इट इज़ वेरी स्टीप एंड डिफिकल्ट लेकिन सब जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे, हम भी पहुंच जाएंगे. जितना जितना ऊपर आ रहे हैं उतना उतना बेटर व्यू मिल रहा है. और आगे स्टेप्स हैं, ये रोड ख़त्म हो जाएगी और स्टेप्स शुरू हो जाएंगे. काफ़ी लोग आए हैं. कूड़ा उठाने वाले भी खड़े हैं जगह जगह. लग तो बहुत खूबसूरत रहा है इस टाइम. पूरा मक्का नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. जबली नूर गारे हिरा स्टार्टेड. देखने में इतना दूर नहीं लग रहा. स्टेप्स भी हैं, ज़िगज़ैग है, स्टेप्स भी हैं लेकिन इतना दूर है ऊपर. इज़ इट फार? Is it far? Kalabalık. Far? Kalabalık. Far. Çok. Çok?
हाफ वे आ गए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लीमू पानी मिल रहा है 3 रियाल का, और ये जो ब्लू छतरी अम्ब्रेला नज़र आ रही है ना, दिस इज़ हाफ वे, दिस इज़ ऑलमोस्ट 500 स्टेयर्स। इसकी तकरीबन है 1065 स्टेयर्स है, तो ऑलमोस्ट 500 होने वाली हैं। इट्स नॉट एन ईजी ट्रैक, बहुत मुश्किल ट्रैक है, स्टेयर्स कोई छोटी हैं कोई बड़ी हैं, और बहुत तंग जगह भी है कहीं पर। और ये सीमी बाजी हैं, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, इनको नींद भी आ रही है, हार्ट बीट तेज है, ये लीमू पानी पी रही हैं। और जो हमारी आंटी हैं और जैनी है, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, वो कुछ चली गई। लीमू पानी पियेंगे, थोड़ा सा एनर्जी लेवल पूरा हो 3 रियाल में। तो रसूलल्लाह यहाँ बैठ के मेडिटेशन किया करते थे, और जब उनके ऊपर वही नाजिल हुई थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उनको कहा था इकरा बिस्मि रब्बिल, और हज़रत खदीजा यहाँ, क्योंकि वो मेडिटेशन कर रहे होते थे तो डेली यहाँ ऊपर आती थी खाना लेके उनके लिए, और वापस जाती और जाती थी। यार अमेजिंग थी, आसानी से तो नहीं पैगंबर बन गए ना। फिर ऑलमोस्ट देयर, वो जो ऊपर है दैट इज़ गारे हिरा, बहुत थोड़ा सा ही फासला रह गया। यहाँ पे लोग जो 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं, जा नमाज बिछी हुई है। धूप काफ़ी हो गई है, लीमू पानी का बिजनेस काफ़ी चल रहा है। You should have plenty of water while going upstairs. तो यहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, बस थोड़ा सा ही दूर रह गया ऊपर, और वहाँ पे आप काफ़ी रश है ऊपर, क्योंकि सभी लोग हमारी तरह इंटेलिजेंट थे जो फजर के बाद निकले हैं, तो ठीक ठाक रश है ऊपर भी। तो यहीं पर नमाज पढ़े नीचे और फिर ऊपर जाए। बंदर तो मुझे नज़र नहीं आया अभी तक। बस इस टाइम तो यही लग रहा है कि सूरज के बिल्कुल नीचे खड़े हैं हम, ये रहा सूरज और ये रहे हम बिल्कुल सूरज के नीचे। और मैंने सुना है कि गारे हिरा में बहुत तेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू भी आती है। सबसे खुशकिस्मती की बात यह है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत सारी जगहों पे आए वही लेके, लेकिन ये तो पहली जगह है, शॉर्ट शॉट है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मेडिटेट कर रहे हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए हैं, मतलब शॉर्ट शॉट प्लेस है ये वाली। अच्छे अंकल हैं, ये पानी दे रहे हैं, ये पानी की बोतलें। दिस इज सो स्वीट, थैंक यू। आपका हज कबूल, डबल कबूल, ट्रिपल कबूल, माशाल्लाह। इस वक्त अपना पानी किसी को देना ना बड़े इम्तिहान की बात है। ये अंकल हैं इंडिया से, हमारा पानी ख़त्म हो गया है, इन्होंने अपना पानी दिया है हमें। इस वक्त पानी देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पीक पे आ गए और बहुत तेज़ धूप है। तो थैंक यू सो मच अंकल। ओके फाइनली वी आर हियर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। So tiny. Okay, we are here. ये पहुंच गए हैं हम टॉप पे, गारे हिरा फाइनली। ओ माय गॉड, इट्स टू क्राउडेड।
ओके यहाँ कुछ शॉप्स हैं, ये भी पानी है। अच्छा चाय पानी कैसे चल? फाइनली वी आर एट द टॉप, जा रहे हैं। यहाँ बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है। आई डोंट नो वेयर माय सिस्टर्स आर। यहाँ सब नमाज पढ़ रहे हैं, दीवारों पे नाम लिखे हुए हैं। तो दुकान आप लोग आने और ये गा रहे हैं। बहुत तंग जगह ये है जी। क्लॉक टावर भी नजर आ रहा है यहाँ से। जी गारे हिरा के टॉप पे तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ बहुत बुरा हाल है। शर्तों के बगैर कोई डिसिप्लिन नहीं है। सब रॉक्स के ऊपर से चढ़ चढ़ के, जो एक एक्चुअल रूट है उसको क्रॉस करके रॉक्स पे शॉर्टकट लगा रहे हैं। और वो इतना छोटा सा सुराख है गारे हिरा का कि एक वक्त में एक बंदा अंदर जा सकता है, और वहीं एग्जिट है और वहीं एंट्री है, लेकिन कोई किसी को जगह नहीं दे रहा। नफसा नफसी का आलम है। सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो। मैं आपको ऊपर से ज़रूर दिखा देती हूँ, और मेरी जो बहनें वो भी उसके अंदर स्टक हुई हुई हैं, आई कैन सी दैट। लेकिन आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गो देयर। यहाँ दूर से हमने ज़्यारत कर ली है, हमने देख लिया है गारे हिरा और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहाँ खड़े होते थे वो सब जगह। अंदर जाना इज सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। यू कैन सी दैट ज़ैनब इज़ क्लैपिंग, ज़ैनब इज़ आस्किंग देम कि मुझे जगह दो। वो जो छोटा सा सुराख है, ठीक है, वो गारे हिरा है, और ये मेरी बहनें सबसे पीछे खड़ी हुई हैं, और बिल्कुल जगह नहीं है। बहुत मुश्किल से लोग एंटर हो रहे हैं, और बहुत मुश्किल से ही एग्ज़िट हो रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं रॉक्स पे लोग नंगे पाँव एग्ज़िट कर रहे हैं। ये लोग रॉक्स के ऊपर से एग्ज़िट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस है, और ये यहाँ से स्लिप होके नीचे भी गिर सकते हैं। इट्स टू रिस्की। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं नज़र आ रहा मुझे, कोई शुरता नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंट जगह है और इतना खूबसूरत व्यू है। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए जी, पूरा मक्का आपको यहाँ से नज़र आता है। स्टेयर्स भरे हुए हैं, पूरा वो एरिया भरा हुआ है, सामने वाला एरिया भरा हुआ है, नीचे वाला एरिया भरा हुआ है। बहुत क्योस है भाई, बहुत क्योस है। सो इट्स वेरी वेरी क्योटिक, बहुत क्योटिक सीन है। पहुँच तो गए यहाँ पे, अभी नीचे भी उतरना है। आई डोंट नो नीचे उतरते हुए कितना टाइम लगेगा। 90 to 100 minutes ऊपर आते हुए लगे हैं। बहुत हिम्मत की बात है जो अंदर जा रहे हैं और बाहर वापस जिंदा आ रहे हैं। यू सी, ये अच्छे बूढ़े लोग हैं, इनको चाहिए औरतों को जगह दे दें, या वन बाय वन कर लें, या क्यू लगा दें, बट ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। वापस आ गई है अच्छे से। बहुत इन्होंने हिम्मत की है, मैं तो कभी ना जा सकती। इन्होंने टू बी ऑनेस्ट, आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा? टू बी ऑनेस्ट, मैं ऊपर आई हूँ, मैं सबसे पहले पहुँच गई थी, और यहाँ बहुत बुरा हाल था। आई वॉज लाइक कि मैं अंदर नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल। आई गेव अप, आई वेंट डाउन, और मैंने कहा इनको कहा कि मैं तो नहीं जा रही हूँ, पर उन्होंने कहा ठीक है, हम नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड गोइंग डाउन, ऑन माई वे समथिंग हैपन्ड। आई वॉज लाइक नहीं, मैं क्यों गिव अप करूँ? ऑलवेज रियाजुल जन्ना में भी यही था,
औरतें पीछे जाएं, औरतें पीछे जाएं, आदमियों को अलाउड था, आदमियों को अलाउड था कि वो सब कुछ देख सकें, हर जगह पर यही था, काबा में भी यही है कि जी औरतें पीछे जाएं नमाज पढ़ें, एंड वी ऑलवेज सम टाइम्स वी हैव टू गिव इन बिकॉज शुरते खड़े हुए एंड ऑल दैट. यहाँ पर शुरतों को मिस किया, यस उनको मिस किया फॉर द डिसिप्लिन, बट द रीजन व्हाई आई क्लाइम्ड अप अगेन बिकॉज आई वाज लाइक आई एम नॉट गिविंग अप दिस टाइम, इनफ इज इनफ, जस्ट बिकॉज कि पूरा झुमगुट्टा 100 आदमियों का खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि औरतें हमेशा पीछे हट जाए कि ओ जी हम तो अंदर घुस ही नहीं सकते. वहाँ पे लाइन बनवाई है, गला खराब हुआ है शुरू के अंदर, फिर गारों में से निकल के बाहर गए, खड़े होने की जगह नहीं थी, उनको रॉक्स थी और दरमियान में स्पेस है, तो आपकी एक टांग इधर है, एक टांग इधर है, आपको धक्के पड़ रहे हैं, सब कुछ पड़ रहा है, चीखे मार मार के मार मार के मार मार के इवेंचुअली आई गॉट सक्सीडेड, क्योंकि इन आदमियों की ईगो को खुश करना है, जो कि मैं नहीं कर रही थी शुरू में, मैं थोड़ी अथॉरिटेटिव हो गई थी, जो वहाँ पे आदमी धक्कम धक्का कर रहे थे, एंड में आके मैंने उन्हीं की हेल्प मांगी, मैंने कहा भाई साहब आप हेल्प करो, 6 औरतें हैं और 100 आदमी हैं, जब हेल्प मांगी तो वो सारे खड़े हो गए हेल्प करने के लिए, तो बिकॉज ऑफ कोर्स सफोकेशन हो रही थी आपको. मेरे दो रोने थे, एक खुशी का रोना था, खुशी भी रो रही, खुशी में भी रो रही थी, बिकॉज वाला था वो टेंशन वाला भी था, क्योंकि वो एक बंदे ने पहाड़ पे चढ़ा, बट मुझे ये लगा कि मैं अब यहां से या तो नीचे गई हूं, मैं ये सोच रही थी कि तुम ऊपर से आओगे, बिकॉज लाइक शी सेड, लाइक शी सेड कि ये जो पूरा चैलेंज है, तो खुशबू वाकई में एग्जैक्टली सेम रियाजुल जन्ना में इसमें खुशबू थी, लेकिन एक चीज, ये पूरा चैलेंज जो था हमें और बड़ा कुछ सिखाता है जिंदगी के मुतालिक, तो इसलिए आई फील कैसे आगे बढ़ेंगे जब तक, इसलिए आई फील कि इट वाज वर्थ इट, कि ये जो चैलेंजेस जो सही है ना, जो सही है ना, जो कोशिश है, जिस कोशिश से खुदा मिला है, आपने वो समझना है कि खुदा कंफर्ट जोन में नहीं मिलता, बेडरूम में बैठ के खुदा नहीं मिला करता, इतनी मेहनत से आओ, इस जंग में से गुजरो, फिर जाके खुदा मिलेगा. यहाँ बड़े बड़े लोग आए, ये आंटी ये स्लाइड लेती भी आएंगे, नो आइडिया, वो देखो कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह. मैडम वो किधर से आ रही है? कंक्लूजन ये है कि ऊपर आना वर्थ इट था, बहुत मुश्किल हाइकिंग है, इट्स नॉट इजी, शुरू के तो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं और ऊपर आके जब एंड में आके थोड़े से छोटे हो जाते हैं, और जो ये नीचे जाने वाला प्रोसेस जो इन लोगों ने किया है, जो शेयर भी किया अपना एक्सपीरियंस, ये बहुत चैलेंजिंग है, इतना सा गारे हिरा की एंट्रेंस है और वहीं एग्जिट है, तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जो इन लोगों ने किया है, लेकिन अगेन इट्स वर्थ इट, अगर यहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन और हो जाए, क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट जगह है ये, यहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे बैठ के मेडिटेट करते थे, पहली वही यहाँ पे आई थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हो ये वो यहाँ पे आके खाना लेकर आती थी, मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर यू नो कोई शुरते और यू नो कोई पुलिस या कोई गार्ड कुछ डिसिप्लिन कर दें, तो क्योंकि बहुत मुश्किल है आना, तो हर बंदा ज़्यारत करना चाहता है, तो वो ज़्यारत जो है वो आसान हो जाएगी सबके लिए. और एक टिप ये है कि अबाया पहन के मत आएँ, क्योंकि अबाया संभालना हो बहुत सारा होना चाहिए आपके पास, लेमिनेट की वजह से काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं, वो भी पीते रहें. आज 20 जुलाई है, शदीद गर्मी है और सभी सुबह कोई आए हुए थे, तो अंदर भी बहुत रश है, रस्ते में भी बहुत रश है, तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, यू शुड हैव योर सन ग्लासेस और लाइट कपड़े हों, लाइट वेट आप आए. बस कुछ ना पूछो, ये शौक जो था ना उस जगह की मुनासिबत से, जो मुझे शौक था वो मुझे खींच के लाए, वरना ना मेरे में हिम्मत है, शुगर पेशेंट हूँ, और सुबह भी मैं बच्चियों से कह रही थी कि मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन अल्लाह ने मुझे दी ये नेमत बख्शी. कुछ क्या हो रहा था? नीचे बहुत रश था, बहुत रश था, स्लोपी पत्थर थे जिन पे से चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल था, मुझे तो डर ये था कि मेरे पाँव की हड्डी ना इधर उधर हो जाए और फिर जो कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगी, लेकिन अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम था, मेरे साथ ये जो बच्चियाँ हैं इन्होंने मुझे बड़ा करेज दिया है, इनकी वजह से मैं यहाँ आ पाई हूँ, और इसका क्रेडिट इन्हीं बच्चियों को जाता है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वो गलतियाँ हैं कि लोग लाइन नहीं बना पा रहे, वो जमघटा बन गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा. हाँ शुरू तो याद आ गया, बदरेशन बनाई हुई है, वो मैंने और ज़ैनब ने काफ़ी चीख चीख के वहाँ से थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की है, तो कुछ थोड़ा सा चलो हमारा मसला इम्प्रूवमेंट अगर गवर्नमेंट लेवल पे हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी. ब्रावो
एग्जैक्टली द सेम फ्रेग्रेंस जो हमें मस्जिद नबवी में आई थी, लेकिन वो जो अच्छा किया क्योंकि मैं तो बीच में ही जा रही थी हिम्मत हार के कि मैं वापस जा रही हूँ। जैसे ही केव के अंदर मैं घुसी हूँ तो वो जो फ्रेगनेस थी रसूल अल्लाह की खुशबू वहाँ पे, और सेम खुशबू जस्ट लाइक जो हमें रियाजुल जन्ना में फील हुई थी जाके, मतलब उसके करीब तरीन रोज़ा रसूल के पास, सेम वो फ्रेगनेस है और वो एक्सप्लेन नहीं आप कर सकता वो जैसी खुशबू है, और वो पूरे गार के अंदर है और दो जगह पे गार पे है, एक आप जो मेन गार है गार हिरा उसके अंदर भी, और जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पे भी सेम ऐसे ही फ्रेगनेंस है। तो आप मुझे ये जो कार से गुजरते ऊपर आना वर्थ इट था, क्योंकि मैं दो दफ़ा हमें शैतान ने वसवसे डाले कि हम क्विट कर दें, मैं तो लगातार डाले मैं वापस कर रही थी, लेकिन जैनब ने और नुशाबा आंटी ने इनक्रेज किया कि मैं कर सकती हूँ। मैं तो गार के ये तीनों ज़ियारत करके आई है, खुशबू भी देख के आई है, और नीचे से ही मना कर दिया था कि मतलब नीचे मत आओ, अगर ये मुझे ना भी मना कर दी तो मेरी हिम्मत नहीं थी, इनको हैट्स ऑफ जो है इन्होंने हिम्मत की है। ये लगता है कि अब आके मक्का को, मतलब हम मदीना एंड मदनी एंड मक्की ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि हज करके और जो पैसे जो है वो वर्थ इट यहाँ आके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने पहली दफ़ा किसी को बोला कि सब्सक्राइब करें, आज तक नहीं कहा मैंने। अगर यहाँ पे शुरते होते तो औरतें कभी भी ज़ियारत ना कर सकती। ये सीमी बाजी कहना चाहती हैं कि अगर यहाँ शुरते होते, यहाँ पे शुरते होते या शुरतियाँ होती तो हम कभी भी ज़्यादा फिर उनको साइड पे खड़ा किया होता, और वहाँ पे एक बंदा बोल भी रहा था जब ज़ैनब ने शोर मचाया तो उन्होंने कहा कि औरतों को नीचे आने की ज़रूरत क्या थी।